हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फोर थीटा को कैसे आसानी से याद किया जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है साइन साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टैन थीटा। चौथा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है कॉसेक थीटा, जो साइन का रेसिप्रोकल है। पांचवा होता है सेक थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है। और छठा होता है कॉट थीटा, ये टैन का रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, पी बी पी एच एच बी। इसको कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये बहुत पहले से प्रचलित आइडिया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा याद करने का। इसमें पी बाई एच साइन का रेशियो है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। बी बाई एच ये कॉस का रेशियो है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। पी बाई बी ए टेन का रेशियो है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसकी सहायता से हम साइन कॉस टेन तीनों का रेशियो याद कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि साइन का रेशियो प्रॉकल कॉसेक होता है, तो साइन होता है पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा होगा एच बाई पी, एच बाई पी। सिमिलरली कॉसेक का रेशियो प्रॉकल सेक होता है, तो सेक होगा एच बाई बी, सेक थीटा होगा एच बाई बी। और इसी तरह से कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉट इक्वल टू होगा बी बाई पी, बी बाई पी। तो इस फार्मूला को, इस मेथड के द्वारा हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद कर सकते हैं। ऊपर से देखेंगे तो साइन कॉस टेन, और नीचे से देखेंगे तो कॉट सेक कॉसेक, साइन पी बाई एच कॉसेक एच बाई पी, कॉस बी बाई एच सेक एच बाई बी, टेन पी बाई बी और कॉट बी बाई पी। तो है ना मज़ेदार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि एंगल चेंज करें तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज करता है।